फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले सूट की सिलाई करना बताऊंगी। तो चलिए सिलाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने आगे वाला पल्ला लिया है, तो पहले आगे वाला पल्ला को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से सीधा उल्टा देख लेना है। तो ये है सीधा ऐसे। उसके बाद हमें इस वाले पल्ले को इसके ऊपर डालना है। डालने के बाद पहले हमें गला बनाना है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे डालेंगे, ये इस तरीके से बराबर कर लेते हैं। उसके बाद हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे गले पे। यहाँ पे हमने आगे वाला गला ले लिया। अब मशीन में इस तरीके से हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर इधर से घुमाएंगे। दूसरे साइड की ओर घुमाएंगे, फिर नीचे के साइड। तो यहाँ हमने गला बना लिया। अब एक कट यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, फिर एक कट यहाँ पे, फिर एक कट यहाँ पे। उसके बाद इसको अब सीधा कर लेंगे, ऐसे लेना है और इसको सीधा कर देना है ऐसे। तो ये सीधा हो गए। अब इसको सिलाई लगा देना है गले के किनारे किनारे। इस तरीके सब साइड गले पे हमने सिलाई लगा दिया है। अब इसी तरह पीछे का बनाएंगे। तो यहाँ हमने पीछे वाला पल्ला ले लिया है सेम उसी तरह। अब इसमें भी हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई को गला पे लगा देना है। इसी तरीके से पूरे में हमने गला में लगा लिया सिलाई। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। हमने छोटे छोटे इसमें इस टाइप से कट्स लगा दिए हैं। अब इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे। इस टाइप के सूट रहे तो आप अलग से पट्टी नहीं भी कटिंग करेंगे, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर भी हमने एक एक सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया। अब शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। गले में फ्रंट साइड में लेस लगाएंगे। तो देखिए लेस को कैसे लगाते हैं। तो इस तरीके से आगे के गले में लेस बैठा देते हैं। तो देखिए कैसे बैठाते हैं, सिर्फ आगे में बैठाएंगे। इस तरीके से फिर आगे के साइड तरीके से लेस हमने आगे के गले में लगा दिया है। ये देखिए, अब शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। डबल लेयर में लगा दिया है लेस, अब शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। इसी के ऊपर दूसरा वाला पल्ला डालेंगे ऐसे, और शोल्डर की ज्वाइनिंग लगाएंगे। इस टाइप से हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए एक साइड की ज्वाइन हमने कर ली, और दूसरे साइड की करेंगे। दूसरे साइड की भी हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, फिटिंग, साइड फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों को अच्छे से सेट कर लिया है। अब साइड वाली फिटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे लेना है। Thank you.
हमने सिलाई चला दिया, फिर घुमाते हुए दूसरा वाला चलाएंगे। साइड हमने दो दो सिलाई चला दिया है। अब बनाएंगे चाक को, फोल्ड कर लेंगे ऐसे हाफ इंच ऐसे पकड़ते हुए। इतना पे हम पहले अस्तर को मोड़ेंगे नीचे साइड। दूसरे साइड का भी हमने फोल्ड कर दिया। अब चाक बनाएंगे, पहला हमने फोल्ड किया है पहले, अब बनाएंगे चाक मिलाते हुए। ये देखिए इस तरीके से लेना है, हाफ इंच ऐसे अंदर, हाफ इंच अंदर की तरफ, फिर ऐसे, और इस पे सिलाई चलाते जाना है। अब दूसरे साइड की तरफ घुमाएंगे। ऐसे लेना है और घुमाना है। इस तरीके से दूसरी साइड घुमा दिए। इस तरीके से हमने दूसरा साइड का भी फोल्ड कर लिया। इसी तरह दूसरे साइड को भी करना है, अब हमने नहीं किया है। इस तरीके से अब यहाँ से ऐसे हाफ इंच, फिर इस तरीके से ऐसे लेना है और फोल्ड करना है। साइड ऐसे मोड़ते हैं, फिर ऐसे घुमाते हैं, फिर दूसरे साइड का सिलाई लगाते हैं हाफ हाफ अंदर करते हुए। फिर इधर मोड़ेंगे। अब हमने दूसरे साइड का भी फोल्ड कर लिया। ये देखिए अब नीचे का करेंगे। नीचे का फोल्ड कैसे करेंगे वो देखिए, इस तरीके से लेना है और ऐसे, और एक एक सिलाई सीधा लगा देना है। यहाँ हमने नीचे वाला फोल्ड कर लिया, उसी तरह दूसरे साइड का करेंगे। दूसरा साइड का भी हो गया। अब लगाएंगे बाजू, बनाते हैं बाजू। तो यहाँ पे हमने बाजू लिया है, पहले हमें नीचे फोल्ड करके लेस लगाना है। हाँ तो इसमें लेस लगा, तो हमने लेस भी लगा लिया किनारा में। अब इसको फिटिंग कर देते हैं अपने साइज से। तो फिटिंग कर लेते हैं डेढ़ डेढ़ इंच, डेढ़ इंच पे हमने फिट किया। अब इसको लगाएंगे आर्महोल में। तो आर्महोल में बाजू अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ से लेना है, तो ऐसे पलटना है और इस तरीके से लेना है। और यहाँ पे हमने एक कट लगाई, ये वाले सिलाई को पीछे के साइड करना है और गोलाई में बाजू को लगा देना है। ऐसे हमें लेना है, इस तरीके से बीचों बीच रखना है और पूरे गोलाई में सिलाई को डालना है। इस तरीके से पूरे गोलाई में देखिए हमने अंदर की तरफ पूरा गोलाई में रख के सिलाई लगा लिया है। अब इसको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना आसानी से ये बाजू लग गया। अब सेम इसी तरह दूसरा लगाएंगे। दूसरा बाजू रेडी कर रहे हैं, बाजू भी फिटिंग करनी है। अब इसको भी आर्महोल में लगाएंगे। दूसरा आर्महोल में कैसे लगाएंगे वो देखिए, इस तरीके से लेना है, फिर इसको अंदर गोलाई में डालना है।
ऐसे, और पूरे में सिलाई लगानी है। ऐसे हमने गोलाई में लिया और हाफ हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगा देना है। पूरा गोलाई में डालते जाना है। बाजू भी लग गई, सूट हो गई कंप्लीट। ये देखिए बाजू भी कितने फिनिशिंग से हमने दोनों लगा लिया। अब चलिए इसकी पूरी फुल व्यू दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सूट की फुल कटिंग स्टिचिंग हो गई। कटिंग के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ये स्टिचिंग की वीडियो थी। सबसे इजी मेथड से मैंने नेट वाली अस्तर वाली सूट की स्टिचिंग बताया, सिलाई बताया। पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए ये नेक का डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। इस टाइप से आप डबल लेयर में लेस लगाकर बना सकते हैं। ये आगे का है, ये पीछे का है। पीछे हमने सिंपल सा नेक बनाया है। तो आज की ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए फिर से बाय बाय।